लूट लेंगे। ये वही सेम है लेकिन इंटीजर इसके माइनस में है, वो हमारे पास पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में। सेम प्रोसीजर है इसका भी क्यूब रूट लेने का। हमारे पास आ जाएगा 1372 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 686। दोबारा 2 से डिवाइड करने के बाद 343 आ जाएगा। फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे 49, फिर 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 आ जाएगा। हमारे पास ये पेयर बन रहे हैं 1 2, हमारे पास ये पेयर नहीं बनता, ये ऐसे ही रह जाएंगे, ये भी अलोन ये भी अलोन। बाकी हमारे पास 1 2 3 7 आ जाएंगे, इसका एक पेयर बन जाएगा। हमारे पास 2 इंटू 2, इसका एक पेयर जो है ये रेडिकल से कट जाएगा। हमारे पास बाकी रह जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। ये हमारे पास क्यूब बन ही नहीं रहा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 2197 का हम क्यूब रूट लेंगे, इसका क्यूब रूट लेने पास हमारे पास 13 आ जाएगा। 169 फिर 13 13, ये हमारे पास 1 2 3 13 आ रहे हैं, ये हमारे पास एक पेयर बन जाएगा ये 13 का। हम इसका क्यूब रूट इससे रेडिकल से कट जाएगा, बाकी हमारे पास 13 आ जाएगा। ये सिंपल है, इसका किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास क्यूब आ गया, ये इसका 13 आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 0.064 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। पहले तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, हमारे पास ये आ गया वॉल्यूम क्यूब इज इक्वल टू लेंथ क्यूब। पहले हम 0.064 को 64 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं, इसके बाद हमारे पास 1 2 3 जीरो लगा देंगे। फिर हम 64 का क्यूब लेंगे, लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 32 16 8 4 2, हमारे पास ये बाकी रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अगले पेज पे हम इसका लेंगे 1000 का क्यूब, 1000 का क्यूब लेने पर हमारे पास आ जाएगा 500 250 125 25 51। यहाँ पर हमारे पास इसके 64 के फैक्टर्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये एक 2 का पेयर बन जाएगा और ये एक 2 का पेयर बन जाएगा। हमारे पास ये दो क्यूब्स कट जाएंगे रेडिकल के साथ, हमारे पास बाकी रह जाएगा 2 इंटू 2 4, ये 4 का हमारे पास क्यूब रूट लेने पर आ गया एक पार्ट आंसर का, ये हमारे पास आंसर का एक पार्ट आ गया। उसके बाद हम 1000 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 1 2 3, ये 3 2 आ गए हमारे पास, और 1 2 3 ये 5 3 आ गए हमारे पास। हम इन क्यूब्स को काट लेंगे, हमारे पास पेयर बन जाएगा, रेडिकल से कट जाएंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू 5, हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा आंसर का 10।